तैयार हो गए। गाइस आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक नया ब्लॉग और आज है गोवर्धन पूजा। तो सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं गोवर्धन की। तो गाइस मेरी वीडियो बने रहिए और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ गोवर्धन पूजा में हम क्या क्या बनाते हैं और बाकी मैं पूजा दिखाऊंगा आपको। और मेरी वाइफ अभी फिलहाल कुछ बना रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। चलो चलते हैं और देखते हैं मेरी वाइफ क्या बना रही है। देखो गाइस मेरी वाइफ ने ये चावल के आटा गूंध कर तैयार कर रखा है और ये कच्चे पकवान तैयार कर दिए हैं। तो गाइस अब आपको बताता हूँ कच्चे पकवानों में क्या क्या बनता है हमारे गोवर्धन पूजा में। और अधिकतर गाइस हमारी गोवर्धन पूजा में चावल के आटे से ही पकवान बनाए जाते हैं। और आप देख रहे हो गाइस ये मेरी वाइफ के हाथ में जो है ये गुल्लक है और इसमें छोटे छोटे चावल के आटे के गोल गोल दाने बनाकर डाले हैं। और साथ में देखो गाइस फरे हैं और हर है, जुआ है, आदमी औरत बनाया है, ऐसी काफ़ी अनेक प्रकार की इसमें चीज़ बनाई जाती हैं जो गोवर्धन पूजा में लगती हैं गाइस। तो गाइस ये देखो गाइस मेरी वाइफ ने इसमें फरे डाल दिए और ये पाँच या 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे, फिलहाल तो जल्दी हो जाएंगे। तो गाइस अगर इनको आप बनाओ तो अधिकतर मोमो की डिश में बनाना क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक पटकते हैं, कढ़ाई का तेल आपके ऊपर भी उछल के आ सकता है। और बनाओ तो ढककर बनाना गाइस। और ये देखो गाइस हमने ढक दिया इसको और बाकी ये मेरी वाइफ और थोड़ा पकवान तैयार कर रही है। तो सो गाइस ये है हमारी गोवर्धन पूजा की परंपरा। गाइस ये हो गए बन के तैयार, देख सकते हो गाइस। और अभी फिलहाल कुछ और बाकी रह गया है, ये है गुल्लक है, ये भी गुल्लक है, ये है औरत, ये है आदमी, ये है कील, ये है हर, देखिए गाइस ये दूसरी बार जो डाला था हमने ये भी बनकर तैयार हो गए। तो गाइस ये फिलहाल हमने ढककर बनाए थे भी और ये देखिए पास से दिखाता हूँ आपको। अरे भयंकर देख रहे हैं भाई, काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। और ये बनकर तैयार हो गए, देख सकते हो भाई ऐसे होते हैं पकवान। और बाकी और कुछ और बनाएंगे पूड़ी वगैरह। तो गाइस आप देख रहे थे ये पूड़ी बन रही हैं और आपने देखा ही होगा यहाँ पर कितना तेल बिखर गया है और मैं बाल बाल बचा गाइस, बस पूछो मत, काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। तो फिलहाल इनको ढककर बनाएं और बनाएं तो थोड़ा सावधानी से गाइस। तो गाइस अब एक पूड़ी बची थी बनने से, अब ये भी बन गई। देखिए गाइस मम्मी मेरी गोवर्धन मंदिर बना रही हैं और इसमें इस्तेमाल करा जाता है गोबर का। तो गाइस और साथ में घास भी लगाई जाती है, इसको उसीर के नाम से घास को जाना जाता है। और इसमें बैल ऐसी काफ़ी चीज़ बनाई जाती है गाइस। और इसमें कृष्ण भगवान की एक तस्वीर भी रखी जाएगी। और ये देखिए गाइस इसमें दो मिट्टी के बर्तन भी रखे हैं और इसमें घोड़ा हाथी और जो खील बतासे हैं वो रखे हैं और घास से इसको सजाया गया है। और ये बनकर तैयार हो गया गाइस और मम्मी इसमें चिराग जला रही हैं। और फिर करते हैं इसमें पूजा स्टार्ट और पकवानों को लेकर आते हैं गाइस। तो इस तरह हमारे में गोवर्धन पूजा का मंदिर बनाया जाता है, देखे गाइस। तो ये है गोवर्धन पूजा का मंदिर और ये बना दिया गया है गाइस। अब गोवर्धन की पूजा स्टार्ट करने वाले हैं और आपको दिखाता हूँ हम गोवर्धन पूजा में क्या क्या पूजते हैं। तो गाइस ये देखिए
ये जो पकवान बनाया है, और साथ में ये देखो घोड़ा हाथी, और ये ऊपर क्या है इसमें, मतलब खील बतासे रखे हैं गाइस। और ये है घास है ये, और इसको वैसे उसीर भी बोलते हैं घास को हमारे में। और इसमें देखो क्या क्या बना रखा है मम्मी ने, और फिलहाल मैंने आपको दिखाया था अभी पीछे। और बाकी ये देखो प्रसाद है, घोड़ा हाथी वगैरह इसमें एक पुलिस में देख सकते हो गाइस। और ये मम्मी अब चिराग जलाने वाली हैं, तो हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। और बाकी मैं आपको पूजा में दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो गाइस ये देखिए मम्मी ने ओम बना रही हैं, और ये देखिए चिराग जला दिया है। तो गाइस इस तरह मतलब ये पकवान बनते हैं, आप देखिए ये देखिए पुरखिया बोलते हैं इसको, और इसको फरा बोलते हैं, बाकी इनको तो जानते होंगे ये पूड़ी हैं। और बाकी ये देखिए गाइस इस तरह गोवर्धन पूजा बनाई जाती है, इस तरह प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो गाइस आपने देख ही लिया होगा गाइस हमारे में जो पकवान बनाए जाते हैं वो किस तरह चढ़ाए जाते हैं गोवर्धन पूजा में। और आपने मंदिर भी देखा होगा गाइस, ये मंदिर जो बनाया गया है गाइस गोबर और घास से बनाया गया है, और इसमें कृष्ण भगवान की एक तस्वीर रखी गई है, और बाकी इसमें काफ़ी चीज़ बनाई जाती हैं। फिलहाल तो मम्मी ने गाय और बैल बनाए हैं, और कृष्ण भगवान की एक तस्वीर रखी है इसमें। और बाकी पकवानों में आपने देख ही लिया गाइस, फरे और गुल्लक, जुआ, कील, आदमी औरत और पुड़ी हो गई, और बाकी खील बतासे, घोड़ा हाथी वगैरह, और इस पूजा में बनते हैं और चढ़ाते हैं। तो गाइस इस प्रकार हमारे लोग इस पूजा को बनाते हैं, और इसी प्रकार आज तक बनाते आए हैं गाइस। तो ये है हमारी गोवर्धन पूजा की परंपरा। देखिए गाइस इस तरह ये अंदर से मंदिर दिखता है, देखिए गाइस ये इस तरह बनाया गया मंदिर अंदर से। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। गाइस हमारी गोवर्धन की पूजा हो चुकी है, और मम्मी ने पूजा कर ली है गोवर्धन की। तो गाइस मेरी पूजा गोवर्धन की कैसी लगी तो लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल को प्रेस कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट में बताना गाइस मेरी वीडियो कैसी लगी।